वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज के वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि क्या लिंग की लंबाई को बढ़ाया जा सकता है, और अगर बढ़ाया जा सकता है तो वो क्या तरीका है जिसके जरिए से लिंग की लंबाई को बढ़ाया जाए, और ये क्या आवश्यकता है कि लिंग की लंबाई बढ़ाई ही जाए। तो तीनों सवाल आपस में जुड़े हुए हैं, तीनों का जवाब मैं आपको इस वीडियो के अंदर दूंगा। वीडियो को आखिर तक देखिएगा ताकि पूरी बात आपको समझ में आ सके। और हाँ दोस्तों, जो लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सभी लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो और बात करते हैं पहले सवाल से। सवाल ये है कि क्या लिंग की लंबाई को बढ़ाया जा सकता है। तो जवाब है कि हाँ, लिंग की लंबाई को बढ़ाया जा सकता है। अब ये डिपेंड करता है कि आपकी मेडिकल कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है और आपकी एज के ऊपर डिपेंड करता है। तरीके हैं, तरीके पर हम बात करेंगे, जो हमारा अगला सवाल है उस पर हम आएंगे। लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि क्या आवश्यकता है लिंग की लंबाई को बढ़ाने की। क्या जरूरी है कि लिंग की लंबाई बढ़े? तो उससे पहले ये जानना जरूरी है कि एक्चुअल में जो लिंग की लंबाई है वो उत्तेजना के बाद कितनी होनी चाहिए। देखिए, मैंने कहा उत्तेजना के बाद, तो आप समझ लीजिए कि लिंग की लंबाई का महत्व उत्तेजना के बाद ही है। यानी कि जब आपके लिंग में उत्तेजना नहीं होती तो उस समय लिंग की लंबाई का कोई महत्व नहीं होता है। लिंग की लंबाई का महत्व तभी होता है जब आपके लिंग में उत्तेजना हो, और उत्तेजना के बाद जो एवरेज लिंग की लंबाई है, जो भारतीय मूल के लोग हैं उनके लिंग की लंबाई 4 से 6 इंच होती है। ये एवरेज लिंग की लंबाई है। तो अगर आपके लिंग की लंबाई 4 से कम है, और अगर 4 है और आप चाहते हैं कि आपके लिंग की लंबाई और बढ़ जाए, तो उसका तरीका है, उस तरीके पे मैं बात करूंगा। देखिए, लिंग की जो लंबाई है वो, जैसे मैंने कहा कि भारतीय मूल के जो लोग हैं उनके लिंग की लंबाई 4 से 6 इंच होती है, इसी तरह से जो अफ्रीकी मूल के लोग हैं उनके लिंग की लंबाई 8-9 इंच के आसपास होती है। अगर आप जैपनीज लोगों की बात करें तो उनके लिंग की लंबाई 3 से 4 इंच होती है। लेकिन ये सारी लंबाई जो मैंने बताई आपको, ये तनाव आने के बाद ही होती है। यानी कि लिंग में जब पूरी तरह से उत्तेजना आ जाए उस समय ही लिंग की लंबाई को मापा जाता है। तो ये तो बात होगी लिंग की लंबाई की। अब आवश्यकता की बात करते हैं कि क्या आवश्यकता है। अगर आप ये कहें कि जैसे कि हमारे एक व्यक्ति ने हमसे पूछा कि भाई, अगर ये बताइए कि मेरे लिंग की लंबाई कम है, क्या मैं पिता का सुख प्राप्त कर सकता हूं? तो देखिए, अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपके लिंग की लंबाई कम है और आप पिता नहीं बन सकते, तो ये आप गलत सोच रहे हैं। लिंग की लंबाई कोई महत्व नहीं रखती है पिता बनने में। जी हाँ दोस्तों, पिता बनने के लिए क्वालिटी आपके वीर्य की होनी चाहिए। वीर्य के अंदर शुक्राणु की संख्या सही होनी चाहिए, वीर्य के अंदर जो शुक्राणु है उनकी मोटिलिटी सही होनी चाहिए, और जो जो जीवित शुक्राणु है उनकी संख्या सही होनी चाहिए। ये अगर वीर्य की क्वालिटी आपकी सही है, और यदि आपके लिंग की लंबाई 2 इंच भी है, तो भी आप पिता का सुख प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, अगर बात करें हम संभोग के बारे में करें, तो वहां पर लिंग की लंबाई जरूरी है। अगर आपके लिंग की लंबाई कम है तो आप अपनी पत्नी को संतुष्ट नहीं कर पाएंगे और ना ही आप संतुष्ट हो पाएंगे, तो उसके लिए लिंग की लंबाई जरूरी है। तो यहाँ से ये बात क्लियर होती है कि अगर किसी के लिंग की लंबाई कम है तो वो अपनी पत्नी को जन्म सुख का अनुभव नहीं करा सकता है। आप देखिए, ये दोनों सवाल के जवाब आपको मिल गए। अब सवाल नंबर 3 के लिंग की लंबाई को कैसे बढ़ाया जाए। देखिए, लिंग की लंबाई को बढ़ाने का तरीका ये है कि आप लिंग की मालिश करें और लिंग की एक्सरसाइज करें। ये दो तरीके हैं जिनका इस्तेमाल करके आप लिंग की लंबाई मोटाई को बढ़ा सकते हैं। साथ ही में अगर लिंग में टेढ़ापन है तो उसको भी दूर किया जा सकता है। और अब इसके साथ में अगर आप कैप्सूल का भी इस्तेमाल करें, यानी कि खाने की दवा का भी इस्तेमाल करें, तो आपको फायदा मिलेगा। अब हम बात कर रहे हैं कि लिंग की लंबाई को कैसे बढ़ाया जाए, तो उसके लिए ये यंत्र है जिसको कहा जाता है लिंग वर्धक यंत्र। पेनिस एलार्मेंट पंप कहते हैं, इंद्री वर्धक यंत्र कहते हैं। इसकी सहायता से आप अपने लिंग की लंबाई को बढ़ा सकते हैं। इसकी सहायता से आपको लिंग की एक्सरसाइज करनी होती है और साथ ही साथ आपको तेल से मालिश करनी होती है। तो दोस्तों, ये है जोश पंप जिससे आप लिंग की एक्सरसाइज करेंगे। जी दोस्तों, इसका जो सिलेंडर है ये फाइबर का बना हुआ होता है। एक पाइप है जिसको कनेक्ट करता है। यहां से प्रेशर को बनाया जाता है और यहां से प्रेशर को निकाला जाता है। ये वो हिस्सा है जहां से लिंग को अंदर डाला जाता है। तो इससे पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले लिंग की मालिश करनी होगी। और मालिश करने के लिए ये है गो केबल इरेक्शन ऑयल, जिसको 50 से ज्यादा जड़ी बूटियों को लेकर के बनाया गया है। ये बहुत बेहतरीन ऑयल है लिंग की मालिश के लिए। लिंग की नसों को ताकत देता है, लिंग की मांसपेशियों को शक्ति देता है। लिंग की नसों को ताकत मिलने से ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है, लिंग में खुलकर के तनाव आता है, और लिंग की मांसपेशियों को शक्ति मिलने से वीर्य को होल्ड करने की क्षमता बढ़ती है।
तो ये एक बहुत अच्छा ऑयल है लिंग की मालिश के लिए। हर्बल विधि द्वारा बनाया गया है, 50 से ज्यादा जड़ी बूटियों का इसमें इस्तेमाल किया गया है। सबसे पहले आपको लिंग की एक्सरसाइज करने से पहले आपको इस तेल से मालिश करनी, मालिश करने के बाद लिंग को यहाँ ऐसे अंदर डाल देना है और यहाँ से धीरे धीरे आपको प्रेशर बनाना है। जब आप ऐसे धीरे धीरे प्रेशर बनाएंगे तो लिंग में आपके खिंचाव आपको महसूस भी होगा, दिखाई भी देगा, क्योंकि इसमें स्केल भी बना हुआ है। जब लिंग में खिंचाव हो जाए तो 3 मिनट तक आप ऐसे ही बैठे रहेंगे, 3 मिनट के बाद आपको ये बटन दबा देना है। ऐसा आपको 3 बार करना है और 3-3 मिनट के लिए करना है। तो दोस्तों ये वो तरीका है जिससे आप लिंग की लंबाई को बढ़ा सकते हैं, तेल से मालिश करके और पंप से एक्सरसाइज करके। साथ में अगर आप कैपिटल पी कैप्सूल का इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। कैपिटल पी कैप्सूल जो कि 100 से ज्यादा जड़ी बूटियों को लेकर के बनाया गया है। तो दोस्तों ये वो तरीका है जिससे आप लिंग की लंबाई, मोटाई और लिंग के टेढ़ापन को दूर कर सकते हैं। इसको आप हमारे यहाँ से मंगा सकते हैं, ये हमारे पास अवेलेबल है। और भी पेनिसिल अलाइनमेंट पंप यानी कि लिंग वर्धक यंत्र हमारे पास मौजूद है, अवेलेबल है। आप उनको हमारे यहाँ से कॉल करके या फिर व्हाट्सएप पर मैसेज करके मंगा सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, एक नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।